Hello students, today we'll be continuing chapter 1 economic standard 12. अपने earlier chapter में bar diagram के बारे में पढ़ा था, अलग अलग टाइप के bar diagram, simple bar diagram, cluster bar diagram, divided bar diagram. अब अपन जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले अपन pie diagram के बारे में. अब pie diagram वाला तो very interesting and one of the quite complicated type का diagram है. अब basically इसमें होता क्या है, पूरे के पूरे सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड कर लेते हैं. मतलब जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का. अब ये पूरे सर्कल को हम अलग अलग डिविजन्स में बांटते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. मतलब पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है. अब जितना भी वैल्यू है उसके सेक्शन की वैल्यू है अकॉर्डिंगली उसको बांट. जब सेक्शन की वैल्यू कैसे निकालते क्या करते हैं, जब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी तब ज्यादा क्लियर होगा. अभी पूरा थियोरेटिकल है तो समझो. तो डिवीजन ऑफ सर्कल इन डिग्री रिप्रेजेंट है पाई डायग्राम. मतलब जब आप सर्कल्स को अलग अलग डिग्री में डिवाइड कर लेते हो तो वो पाई डायग्राम रिप्रेजेंट करता है. डिवीजन ऑफ द सर्कल्स इनटू अ डिग्री. जब सर्कल्स को आप अलग अलग डिग्री में रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पाई डायग्राम रिप्रेजेंट करता है. If the entire circle is considered as a universal set, अब पूरे सर्कल को क्या बोलो, एक यूनिवर्सल सेट ऑफ द एंटायर डेटा. और जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है वो अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करता है विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिग्री. डिग्री कैसे निकालते हैं अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है. पाई डायग्राम वैसे ही डेटा के लिए ड्रॉ किया जाता है जिस टाइप के डेटा के लिए बार डायग्राम ड्रॉ किया जाता है. पाई डायग्राम जो होता है उसी टाइप के डेटा के लिए ड्रॉ किया जाता है जिस टाइप के डेटा के लिए बार डायग्राम. मतलब एक डेटा है उसके लिए आप बार डायग्राम ही बना सकते हो और उसके लिए आप पाई डायग्राम, दोनों चलता है, ठीक है. पाई डायग्राम उस टाइप के डेटा के लिए बनाया जाता है जिस टाइप के डेटा के लिए बार डायग्राम बनाया जाता है. पूरे सर्कल को पूरा जो सर्कल है वो कितने का होता है, 360 डिग्री. इंपॉर्टेंट है, पाई डायग्राम में जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है. मतलब टोटल डेटा जो होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है. एंड डिवीजन ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग सर्कल्स इनटू डिफरेंट डिग्री प्रोपोर्शनल टू द ईच डेटा सेक्शन. और पूरे सर्कल को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करते हैं रिप्रेजेंटिंग बाय डिवीजन सर्कल. और हर सर्कल की एक डिग्री होती है और वो डिग्री डिपेंड करती है उसकी वैल्यू पे. वैल्यू कैसे निकालते हैं बाद में सिखाऊंगी. मतलब डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिवीजन ऑफ एंटायर डेटा इन द प्रोपोर्शनल डिग्री इन अ सर्कल इज नोन एज पाई डायग्राम. वापस, a diagram which is drawn by representing the subdivision of entire data. एक डायग्राम जो इसलिए बनाया जाता है बाय डिवाइडिंग द सब डिविजन ऑफ एंटायर डेटा. मतलब पूरे डेटा के सब डिविजन को आप उनके प्रपोर्शनल डिग्री में बांट दो. पूरे डेटा के जो सब डिविजन है उनको आप उनके डिग्री में बांट के रिप्रेजेंट करो. मतलब डिग्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिविजन ऑफ एंटायर डेटा. पूरे डेटा के सब डिविजन को इन प्रपोर्शनल डिग्री. पूरे डेटा के सब डिविजन को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, द प्रपोर्शनल डिग्री इन अ सर्कल. पाई डायग्राम हमेशा क्या होता है, सर्कल, उसको बोलते हैं अपन पाई डायग्राम. अब पाई डायग्राम में मैं आपको क्या बोलूं, टोटल 360 डिग्री होता है और हर सेक्शन का अलग अलग डिग्री होता है. ये हर सेक्शन की डिग्री निकालने की फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो. आपका जो भी कंपोनेंट है मतलब आपका जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360. सपोज अगर आपके कंपोनेंट की वैल्यू 20 है, चार कंपोनेंट है ए बी सी डी, एक और चार 10-10 के, ए बी 10 का, बी बी 10 का, सी बी 10 का, डी बी 10 का, तो आपको एक ही डिग्री निकालनी. तो कंपोनेंट वैल्यू का एक ही कंपोनेंट क्या था, 10, और टोटल कंपोनेंट क्या हो गया, 10 10 10 10, चार बार 10 मतलब 40. तो 10 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 360 को आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी. टेंशन मत करो, मैं भी वापस समझाऊंगी इस चीज को एग्जांपल के द्वारा. एक बार अभी जो अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो बहुत वर्डी और बहुत थ्योरेटिकल है, तो मैं रीड करके समझा रहा हूं तो अकॉर्डिंगली आप उसको समझना. मैंने आपको ब्रीफ दे दिया. पाई चार्ट, पाई डायग्राम मतलब क्या होता है, पाई डायग्राम पहली बार एक खाली सिंपल समझना हो तो पाई डायग्राम पहली बार सर्कल में होता है. हमेशा पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री में डिवाइड किया जाता है. फिर फिर अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं और अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग जो सेक्शंस है उसकी डिग्री की वैल्यू कैसे निकालनी, मैंने क्या बताया, जो भी आपकी सेक्शन की वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल सेक्शन की वैल्यू कर दो मल्टीप्लाई बाय 360. इसको मैं सम के तौर पर कराऊंगी तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट. तो अब इसको मैं समझाती हूँ, वापस एक बार गो थ्रू कर पाती हूँ. पाई डायग्राम जो है वो डिविजन ऑफ सर्कल इन डिग्री रिप्रेजेंट है पाई डायग्राम. मतलब जब आप सर्कल्स को डिग्री में रिप्रेजेंट करते हो, जब आप सर्कल को डिग्री में डिवाइड कर लेते हो तो उसको पाई डायग्राम बोलते हैं.
entire cycle is considered as a universal set of entire data. बोला जाता है कि पूरा का पूरा सर्कल क्या कंसिडर करा जाता है, यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जाता है पूरे डेटा का. यूनिवर्सल मतलब हर चीज इंक्लूड होता हुआ, मतलब जो आपका सर्कल है उसमें सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है. एंड डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस डेटा रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग सर्कल्स इंटू डिग्री प्रपोर्शनल टू डेटा. और पूरे सर्कल्स को अलग अलग डिग्री में डिवाइड करा जाता है प्रपोर्शनल टू द डेटा. पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच द बार डायग्राम इज ड्रॉन. पाई डायग्राम उस टाइप के डेटा के लिए बनाया जाता है जिस टाइप के डेटा के लिए बार डायग्राम बनाया जाता है. सिंस एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट 360 डिग्री, पूरा सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री, इसलिए एंटायर डेटा रिप्रेजेंट 360 डिग्री. इससे पूरे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है 360 डिग्री में. एंड डिवीजन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिविजन ऑफ एंटायर डेटा एंड प्रोपोर्शनल डिग्री इन अ सर्कल इज नोन एज पाई डायग्राम. इज पाई डायग्राम की डेफिनेशन राइट, बोर्ड पे ध्यान दो. पाई डायग्राम डिवीजन ऑफ सर्कल इन अ डिग्री रिप्रेजेंट अ पाई डायग्राम इफ द एंटायर सर्कल इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब पूरे सर्कल को हम क्या मान रहे हैं यूनिवर्सल सेट जिसमें सब वैल्यू आ गई. ऑफ द एंटायर डेटा एंड डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस डेटा रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग सर्कल्स इंटू डिग्री प्रपोर्शनल टू डेटा पाई डायग्राम इज ड्रॉन. पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच द बार डायग्राम इज ड्रॉन. पाई डायग्राम उसी टाइप के डेटा के लिए बनाया जाता है जिस टाइप के डेटा के लिए बार डायग्राम बनाया जाता है. सिंस द एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट 360 डिग्री द एंटायर डेटा रिप्रेजेंट 360 डिग्री. पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है और जो पूरा सर्कल है उसमें सारा डेटा आ जाता है इसे सारे डेटा भी 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है. एंड डिवीजन ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग सर्कल्स इनटू डिग्री प्रोपोर्शनल टू वैल्यू. अभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. ये डेफिनेशन ये है कि अ डायग्राम विच इज ड्रॉन by representation of subdivision of entire data in proportional degree in a circle is known as pie diagram. Formula degree is degree कैसे निकालोगे? Component value divided by total value multiplied by 360. एक बार board से go through करो फिर मैं आगे करवाती हूँ. Board से go through. एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी तो बोर्ड पे ध्यान दो. देखो यहाँ पे क्या है, आइटम्स दिए हुए जैसे बुक्स है तो बुक्स का परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड मतलब बुक्स पे 20% पैसा लगाया है, स्टेशनरी पे 5% पैसा लगाया है, फोन पे कंप्यूटर और अदर एसेसरी पे 30% पैसा लगाया है, फूड पे 30% पैसा लगाया है, क्लोथ्स पे 15% पैसा लगाया है, टोटल 100% ऑब्वियसली परसेंटेज का टोटल 100%. आपको ये डेटा दे दिया और बोला आप इसको पाई चार्ट बनाओ तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, डिग्री, हर आइटम का डिग्री, बुक्स का डिग्री, स्टेशनरी का डिग्री, फोन का डिग्री, कंप्यूटर का डिग्री. तो डिग्री मैंने आपको कैसे बताया था, पहले जो भी आपकी वैल्यू है वो जो भी आपकी कॉम्पोनेंट की वैल्यू, यहाँ पे कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या 20, तो मैंने लिया 20 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू. टोटल वैल्यू कितना है 100, तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360. क्या फॉर्मूला बता दी डिग्री कैलकुलेट करने की, कंपोनेंट वैल्यू क्या थी फॉर्मूला, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360. तो कंपोनेंट वैल्यू क्या 20, ठीक है, टोटल वैल्यू क्या 100 मल्टीप्लाई बाय 360. आप इसको कैलसी पे कैलकुलेट करोगे तो 72% आ जाएगा, सॉरी 72 डिग्री. तो बुक्स का कितना डिग्री है 72 डिग्री. उसी तरह स्टेशनरी का कैसे निकालोगे, कंपोनेंट वैल्यू क्या स्टेशनरी की 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360. फोन कंपोनेंट तो 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360. फूड का 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360. 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360. तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इस तरह से आप अलग अलग डिग्री निकाल दो. इस डिग्री के बेसिस पे आपको पाई चार्ट बनाना पड़ेगा. पाई चार्ट कैसे बनाए आपको डायग्राम बुक में दे दिया उसमें से रिफर कर लेना. तो मैंने आपको अभी बेसिकली ये बताया कि आप डिग्री कैसे कैलकुलेट करोगे. तो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी कॉम्पोनेंट की वैल्यू है वो लो डिवाइड बाय आप टोटल वैल्यू से करो और मल्टीप्लाई बाय करो 360 से. आपकी जो भी कॉम्पोनेंट की वैल्यू है वो लो डिवाइड बाय टोटल वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई बाय 360 राइट. अब हम पढ़ने वाले व्हाट आर द एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम. जब आप पाई डायग्राम बना रहे तो कौन सी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से एस्पेक्ट है जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे. जब आप एक पाई डायग्राम बना रहे हो तो कौन से एस्पेक्ट है जो कंसीडर करने पड़ेंगे. पहला एस्पेक्ट ये कि पूरा सर्कल मिलकर 360 डिग्री बनाता है.
पहला जो एस्पेक्ट है वो है कि पूरा सर्कल मिलके कितना डिग्री बनाता है 360 या नींद में भी मतलब याद रखना कि जो पाई डायग्राम का सर्कल होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है और जो भी सब डिविजन्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है प्रोपोर्शनल टू द जो सब डिविजन्स होते हैं उनकी डिग्री होती है प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू जैसे ये 72 डिग्री क्या था प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ये 80 डिग्री क्या था प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल तो जो भी सब डिविजन्स की डिग्री किससे प्रोपोर्शनल होती है टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और लास्ट में अगर रिलेवेंट डेटा दे दिया है अगर आपको कोई डेटा को कंपेयर करना है तो आप दो पाई ग्राफ बना के उन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो तो तीन एस्पेक्ट है दैट नीड टू बी कंसिडर बाय ड्रॉइंग अ पाई डायग्राम पहला एस्पेक्ट ये द एंटायर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री पूरा सर्कल कितने डिग्री में डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री और जो भी सब डिवीजन है सब डिवीजन की डिग्री कैलकुलेट होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो भी वैल्यू है उस बेसिस पे सब डिवीजन की डिग्री कैलकुलेट होती है राइट उसके बाद अगर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप दो अगर वो कंपैरिजन करना है तो आप दो पाई चार्ट बना के भी कंपैरिजन कर सकते हो तो ये थे एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम तो अपन बेसिकली पाई डायग्राम बनाते कैसे उसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा और अपने तीन एस्पेक्ट देखे विच नीड टू बी कंसिडर व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम पहला था 360 डिग्री फिर जो भी सब डिविजन है उनकी डिग्री क्या होती है प्रोपोर्शनल टू वैल्यू और आप दो पाई डायग्राम बना के कंपेरिजन भी इजिली कर सकते हो बोर्ड पे ध्यान दो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ मैं कैसे डिग्री निकालनी है उधर आ जाओ aspect to be considered while drawing a diagram 360 degree is makes a circle total 360 degree mila ke ek circle banata hai degree of subdivision are calculated in proportional to the value of the variable jo bhi subdivision ki degree kaise calculate karoge proportional to the value of variable and sum of the degree sari degree ko plus kar doge to kitna ho jayega 360 degree dekho yahan pe maine aapko bola na degree of subdivision hai books ka subdivision hai to subdivision ki degree kaise calculate kari proportional to the value of variable matlab books ki jo bhi value hai uske proportional mein humne degree कैलकुलेट किया और जितने भी सब डिवीजन है सबकी डिग्री को प्लस करोगे तो 360 आएगा इफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कंपेयर्ड देन टू पाई ग्राफ कैन बी ड्रॉन साइड बाय साइड अगर आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कंपेयर करनी तो दो पाई डायग्राम को आप साइड बाय साइड बना सकते कंपेयर कर सकते हो राइट इसके नोट्स पर आप आगे करते हैं अलग अलग टाइप के ग्राफ्स पढ़ने वाले कि इकोनॉमिक्स में कितने टाइप के ग्राफ होते हैं तो सबसे पहले होता है टाइम सीरीज ग्राफ फिर होते हैं ग्राफ्स फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अपन ऑलरेडी 11 स्टैंडर्ड में काफी पढ़ चुके हैं जिसमें यूजुअली रेंज होती है 10 to 20, 20 to 30 राइट तो जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके लिए ग्राफ यूज होते हैं वो होते हैं हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीकॉन फ्रीक्वेंसी कर्व क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीकॉन ये अलग अलग टाइप के ग्राफ यूज होते हैं फिर लॉगरिथम ग्राफ भी होते हैं तो बेसिकली तीन मेजर ग्रुप्स है ग्राफ के पहला जो है वो है टाइम सीरीज ग्राफ उसके बाद दूसरा है ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आ जाते हैं हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी कर्व क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और लास्ट में लॉगरिथम ग्राफ अब अपने ये 12th स्टैंडर्ड में स्टडी में सिर्फ टाइम सीरीज ग्राफ है बाकी सारे ग्राफ अपन को अभी पढ़ने नहीं है सिर्फ टाइम सीरीज ग्राफ पढ़ना टाइम सीरीज से वर्ड ही क्या समझ रहे टाइम समय पे बेस्ड ग्राफ तो बोला है कि ट्रेड साइकिल में या तो इकोनॉमिक्स की साइकिल में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रेगुलर या तो इरेगुलर बदलाव आते रहते हैं ट्रेड साइकिल में या तो साइकिल ऑफ इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म चेंजेस लॉन्ग टर्म चेंजेस रेगुलर चेंजेस और इरेगुलर चेंजेस आते ही रहते हैं ठीक है और ये जो चेंजेस का ट्रेंड है कि कभी बड़ा कभी घटा बड़ा घटा बड़ा घटा ये जो ट्रेंड है चेंजेस का उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जिस ग्राफ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो वेरिएबल होता है वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है और जो टाइम पीरियड होता है जो आपका समय होता है वो होता है बेस मतलब अगर सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है कि कोई कंपनी की जो सेल है वो 1991 से लेके 2001 तक तो आप क्या बेस में क्या लोगे ईयर्स मतलब 1991, 2000, 1992 जो भी है वो ईयर को लोगे बेस में और वेरिएबल क्या लोगे सेल्स और अकॉर्डिंगली वो फ्लक्चुएट होती रहेगी तो इस टाइप के डायग्राम को बोलते हैं टाइम सीरीज डायग्राम मैं वापस समझा दूं टाइम सीरीज से मतलब इस समझ होता है समय में जो बदलाव आया उसको बताते वाला डायग्राम उसको बताते वाला ग्राफ तो बोला है कि जो भी इकोनॉमिक साइकिल है या तो भी ट्रेड साइकिल है उसमें शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म रेगुलर या तो इनरेगुलर चेंजेस होते ही रहते हैं चेंजेस मतलब कभी बड़ा कभी घटा बड़ा घटा कॉन्स्टेंट बड़ा घटा तो ये जो भी चेंजेस का ट्रेंड है उसको हम ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं
ऐसे टाइप के ग्राफ में आप बेस पे लोगे जो आपका टाइम पीरियड है, मतलब जिस समय में बदलाव आ रहा है, सपोज एक साल से लेके 10 साल तक का बदलाव है, 1 से 25 साल का, या 1 महीने से दूसरे 10 महीने तक का बदलाव है, जो भी टाइम पीरियड होता है उसको बेस पे लिखते हैं और जो भी वेरिएबल होता है उसको एक्स वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ, बिकॉज ये जो ग्राफ होता है आपको समय के साथ जो बदलाव होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। बाकी के जो ग्राफ है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लॉगरिथम कर्व, वो अपन को अभी पढ़ना नहीं है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है, क्या इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है? तो बोला है कि हम आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम हर जगह टेक्नोलॉजी यूज करें, डिजिटल एकदम हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हम लोग को फ्रेंड से कनेक्टेड रहना वीडियो कॉल कर लेते हैं, रिलेटिव से कनेक्टेड रहना वीडियो कॉल कर लेते हैं, मूवीज देखनी नेटफ्लिक्स किया, प्राइम अमेज़न करा, ऑनलाइन मूवीज देखो, म्यूजिक सुन सकते हैं ऑनलाइन, टिकट्स बुक्स कर सकते हैं ऑनलाइन, मतलब हम आजकल हर चीज कैसे करते हैं ऑनलाइन, हम बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी हो गए, हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो अगर हम बाकी सब चीजों में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो एजुकेशन में क्यों नहीं? तो एजुकेशन में भी रोल होता है टेक्नोलॉजी का, क्या क्या रोल होता है बाद में पढ़ाती, पहले इतना वापस डिवाइस करा लेती हूँ। आपने पढ़ा कि अलग अलग टाइप के ग्राफ्स और डायग्राम होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आ जाता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर लॉगरिथम ग्राफ अपन ने पढ़ा। उसके बाद टाइम सीरीज ग्राफ में अपन ने पढ़ा कि अपन को पता है कि जो ट्रेड साइकिल होती है या तो जो इकोनॉमिक साइकिल होते हैं उसमें कुछ बढ़ाव चढ़ाव घटाव उतार आते रहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म चेंज, रेगुलर इरेगुलर चेंज होता रहता है, और ये चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हुए जो डायग्राम होता है, जो ग्राफ होता है, उसको टाइम सीरीज बोलते हैं, जिसको बेस पे हम टाइम लेते हैं और जो भी वेरिएबल होता है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। अब बोला है कि किस हद तक टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स में यूजफुल होती है, तो बोला आजकल हम डिजिटल मीडिया में, डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे, हर चीज ऑनलाइन होती है, टिकट्स बुक करना है, मूवीज देखनी है, शॉपिंग करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, सब ऑनलाइन हो जाता है, तो आजकल एजुकेशन भी ऑनलाइन होती है, उसको कैसे क्या क्या यूज होता है वो अपन बाद में पढ़ते, पहले बोर्ड पे ध्यान। टाइम सीरीज ग्राफ फॉर, पहला टाइप ऑफ ग्राफ में टाइम सीरीज का, दूसरा ग्राफ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लॉगरिथम ग्राफ, पे टाइम सीरीज ग्राफ में इन ट्रेड साइकिल है तो साइकिल ऑफ इकोनॉमिक, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलर या इरेगुलर चेंजेस आर ऑब्जर्व, ट्रेंड्स ऑफ सच चेंजेस कैन बी शोन यूजिंग अ टाइम ग्राफ, जिसमें चेंजेस को वेरिएबल माना जाता है और टाइम पीरियड को बेस माना जाता है। यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, We are living in the age of digital technology and use technology every day to start to stay connected with friends, relatives, watch movie, listen music. Technology is also used for education purpose, right? एक बार इसकी नोट्स बनाओ। इसके लिए अपने जितना भी पढ़ा उसको समाप्त कर लेते हैं। अपने आज पाई डायग्राम के बारे में समझा, तो पाई डायग्राम में अपने ये समझा, पाई डायग्राम एक सर्कल में रिप्रेजेंट होता है, पूरे सर्कल को हम 360 डिग्री का मानते हैं, फिर उसके बाद हम हम अलग अलग डिवीजन बनाते हैं अलग अलग डिग्री का, और ये डिग्री रिप्रेजेंट करती है वैल्यू प्रोपोर्शनल टू वेरिएबल, डिग्री निकालने की फार्मूला थी जो भी आपके कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। उसके बाद अपने पढ़ा था कौन से एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं ड्राइंग का पाई डायग्राम, तो पहला एस्पेक्ट की पूरे की पूरी डिग्री 360 डिग्री होती है और हर डिवीजन डिग्री ऑफ ईच डिवीजन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, हर डिवीजन में जितनी भी डिग्री होती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और जितनी भी सब डिवीजन है उनकी डिग्री को प्लस करेंगे तो हो जाता है 360। अगर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप तब दो या दो से ज्यादा पाई डायग्राम बना के कंपैरिजन भी कर सकते हो। अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, पहला टाइम सीरीज ग्राफ, दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, सॉरी कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाता है, और लॉगरिथम ग्राफ भी होते हैं, ठीक है।
टाइम सीरीज का अपने बड़ा ट्रेड साइकिल में इकोनॉमिक्स में रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चेंजेस होते रहते हैं। ये सारे चेंजेस को हम ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वैसे ग्राफ को टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं। फिर अपने बड़ा टेक्नोलॉजी का क्या यूज है इकोनॉमिक्स में, तो हर जगह आजकल टेक्नोलॉजी यूज होती है। पहले शॉपिंग करनी हो, फ्रेंड से बात करनी हो, मूवी देखनी हो, खाना खाना हो, टिकट्स बुक करानी हो, तो ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी यूज होती है। कैसे, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। राइट, बाय।